अकाउंट। देश में जहां इस वक्त मारामारी और नकारात्मक खबरों का बोलबाला है, वहीं यह खबर आपको सुकून देगी। देश के सैनिक ड्यूटी पर तो सेवा देते ही हैं, लेकिन रिटायर होने के बाद भी देश सेवा में आगे रहते हैं। इन सैनिकों को हमारा सलाम। आज हम आपको भारतीय सेना के एक ऐसे जांबाज से मिलवाएंगे जो सेना से रिटायर होने के बाद भी देश सेवा में लगा हुआ है। अब ये सैनिक देश के नौनिहालों को सेना और पुलिस की भर्ती के लिए फिजिकल ट्रेनिंग दे रहा है। सेना के रिटायर्ड हवलदार जयवीर सिंह देवास स्थित पुलिस लाइन ग्राउंड में वर्ष 2013 से निःशुल्क ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनके द्वारा ट्रेन किए गए करीब 86 युवा देश के विभिन्न सैन्य सेवाओं में भर्ती हो चुके हैं। जयवीर सिंह कुशवाहा 2013 में जब आर्मी से रिटायर हुए तो व्यायाम के लिए पुलिस लाइन ग्राउंड में जाने लगे। उन्होंने देखा कि कई युवा बिना ट्रेनिंग के फिजिकल कर रहे हैं, इस वजह से उनका चयन नहीं हो पा रहा है। यहीं से उन्होंने जिम्मेदारी ली और युवाओं को ट्रेनिंग देना शुरू किया। 5 साल से अनवरत युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं और अब तक करीब 86 युवा सैन्य सेवाओं में चयनित हो गए हैं। सैनिक जयवीर सिंह कुशवाहा है। कुशवाहा जी, आपको ये कैसे प्रेरणा मिली यहाँ बच्चों को सिखाना करना है? मैं जब यहाँ ग्राउंड आया करता था तो कुछ बच्चे 2013 में रिटायर हुआ तो मैं ग्राउंड आया करता था अपने फिजिकल के लिए, क्योंकि मैं आर्मी से हूँ तो घर बैठता नहीं, पैर वगैरह दर्द करते थे। तो मैं देखा कुछ बच्चे किया करते थे, फर्स्ट मैंने देखा कुछ दिन तक, महीने तक देखा ये लोग गलतियाँ करते थे एक्सरसाइज कार्ड में। तो ये भर्ती हुई इनकी, तो ये लोग भर्ती देखने गए। मैंने पूछा बेटा आप लोग को क्या हुआ, भर्ती हुए कि नहीं? बोला सर मैं फिजिकल में रह गया। हमने क्यों कि दौड़ नहीं पाया, सांस फूलती है। हमने कि फिर मेरे को ऐसा लगा कि बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं पर सक्सेस क्यों नहीं हो रहे, कहाँ गलतियाँ करते हैं। हमने गौर किया तो बच्चे दौड़ने बाद एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आके बैठ जाते हैं, कुछ गलत तरीके से करते हैं, कुछ चेस्ट में रह गया, चेस्ट गलत तरीके से लोग पुशअप वगैरह लगाते हैं, चिनअप वगैरह लगाते हैं, कुछ चिनअप में रह जाता है इनका, कुछ करने का तरीका नहीं। हमने आपको कुछ सिखाता नहीं कि सर कोई है ही नहीं। तो मैं बोला मैं आर्मी से रिटायर हूँ, कुछ सिखाऊँ तो सीखोगे? बोला ठीक है सर, आप जैसा मिल जाएगा तो हम कोशिश करेंगे, और अच्छा लगे हमको भी फ़ायदा होगा। तो मैं बस उसी दिन से मेरी थोड़ी, हमें सेना का सैनिक भी हूँ तो मेरे को, मैं बोला वहाँ पर भी सेवा करता था, यहाँ पर भी सेवा करने में। किस पोस्ट पर थे आप? मैं वहाँ हवलदार से रिटायर हुआ तो मैंने बोला यहाँ पर भी सेवा करने में कोई हर्ज नहीं है। तो हमें सुबह ग्राउंड आता ही हूँ, उन बच्चों को थोड़ा कुछ सिखा देंगे तो अच्छी बात है। कितने सालों से लगातार? मैं 2013 से कंटिन्यू हूँ, 2013 3 अप्रैल से। कितनों मिला के अभी तक हो गए हैं सर? 86, ये 5 साल में। अभी आप सुबह कितने बजे आते हैं? सुबह 5:30 बजे आ जाता हूँ और 7:30-8 बजे चला जाता हूँ, क्योंकि मैं 1 साल हो गई मुझे कंटिन्यू करते हुए। पहले हम एक राउंड भी नहीं कर पाते थे, लेकिन यहाँ पर सर ने सिखाया तो हम पूरा 2-3 राउंड लगा लेते हैं कंटिन्यू, और उससे पूरा दिन हमारा अच्छा जाता है। यहाँ पर आने से ना मुझे कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा मिला है। यहाँ पर पहले है ना सर कॉन्फिडेंट नहीं था, दौड़ भी नहीं पाता था, मतलब फिर सर ने बताया क्या कैसा होता है फिजिकल में ये वो, फिर अच्छे से मतलब निकाला। फिर उसको क्या निकाला? फिजिकल, पुलिस की सर्विस फिजिकल निकाला आपने? यस सर। इसमें आप किसको धन्यवाद देंगे? सर को ही धन्यवाद दूँ। तो पहले आप करते थे, इससे पहले भी आपने कुछ प्रैक्टिस करी? नहीं सर, इसके पहले से अभी मैं 12th में पढ़ रहा हूँ। सर ने आपको क्या क्या सिखाया? सर यहाँ पर पहले तो रनिंग, उसके बाद है ना स्टेमिना हमारा बिल्डअप करा, उसके बाद वो हमारी गोला फेंक कराया। मेरा गोला फेंक बिल्कुल नहीं होता था, क्योंकि गोला फेंक मेरा ज़्यादा पहले ना 14-16 जाता था, पर अभी है ना 21-22 तक चला जाता है हमारा।